यूक्रेन दे विच पिछले 10 दिनों तो चल रहे युद्ध ने जिथे यूक्रेन दे हालात खराब किए हुए ने उथे यूक्रेन दे विच पढ़ रहे पंजाब दे विद्यार्थी अते उन्हां दे घर वालियां नूं भी मुश्किलां दे विच पाया होया। यूक्रेन विच जिथे अनेक बच्चे उथे घिरे हुए सन उथे जिला जलंधर दे गुराया शहर की रहने वाली प्रिया बीते दिन ही उथों वापस अपने घर पहुंची है। हालांकि प्रिया नूं आए बेशक 2 दिन हो गए ने पर उसके चेहरे से यूक्रेन के युद्ध का खौफ कित ना कि झलकता दिखाई दे रहा। प्रिया ने गलबात करते हुए दसिया कि वह जिहड़ी सिटी दे विच रह रही थी रोमानिया के बार्डर तो थोड़ी दूरी पर ही सी। जिस दिन वह उतों चली तो हालात उत्थे भी खराब हो चुके सन पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के वलों उन्होंने पहला ही भेज दिता गया ताकि किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। सानू नहीं सी पता इस सिचुएशन का बट सानू मॉर्निंग कॉल आई कि सिचुएशन सही नहीं है, वॉर स्टार्ट हो गई है बॉर्डर साइड पर। सो तुसी अपना जो भी है प्रिपेयर कर लो, अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कि किसी भी टाइम पर आप थानू कह सकते हैं कि तुसी एवैकुएट कर सकते हैं। थानू यूक्रेन दी केड़ी सिटी विच रह रहे सी तुसी? चर्निविच सी। केड़ी? चर्निविच सी। चर्निविच सी। उदे तों बॉर्डर किन्नी दूर है जां जिथे वॉर स्टार्ट होई है सब तो पहला ओ किन्नी दूर है? चर्निविच सी तो बॉर्डर 1000 किलोमीटर दी डिस्टेंस ते आ ते ओ एरिया बेसिकली सेफ सीगा ते सानू साइड ते इदां दा कुछ नहीं सीगा, असी सारे सेफ सीगे प्रॉपर। जिस टाइम तुसी उत्थों चले आ? हाँ जी। ते जदा बॉर्डर ते जाण दा जां उत्थों इंडिया आण दा गवर्नमेंट वल्लों किदां दी तुहानू रिस्पोंस मिलिया उत्थे? फर्स्ट तो साड़ी यूनिवर्सिटी सानू यही सीगा कि साड़े को क्योंकि उस टाइम ते इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सारिया बंद हो गईयां सी ते साड़े को इन्ना कैश भी नहीं सीगा उस टाइम ते अवेलेबल। सो साड़ी यूनिवर्सिटी ने सानू सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिता। वैसे उन्होंने कह दिता सीगा कि पैसे की कोई टेंशन लैन की जरूरत नहीं आ ते सारा कुछ बसेस वगैरह सारा अवेलेबल सी सानू, फूड सारा कुछ इंक्लूडेड सीगा। बॉर्डर तक सानू पूरी सेफ्टी ना पहुँचाया गया, पूरी फोर्स सीगी पुलिस सीगी सारा कुछ। दैन फिर बॉर्डर क्रॉस करवाया, उस तो अगे सारा रोमेनिया दे जो भी स्टाफ सीगे उन्होंने सानू पूरी सेफ्टी ना एयरपोर्ट तक पहुँचाया। बट जिदा कई बच्चे दस रहे कि बड़ी डिफिकल्टी आ रही है बॉर्डर तक भी पैदल जाना पै रहा, कुछ इदा का भी सिचुएशन हुई सी? तो सिचुएशन उदो आई जो यूक्रेनियन जिहड़े उत्थे दे सिटीजन सीगे ओह खुद मतलब कि वह अपनी सिटी छड के दूसरे कंट्रीज जा रहे सीगे। उस करके जो बॉर्डर सीगा वह ब्लॉक हो चुका सीगा काफ़ी रस्ता ते फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ करके फिर वह पिछों ही सारे उतरना पै रहा सीगा। प्रिया दे पिता डॉक्टर रजिंदर हरगुण दा कहना है कि जिस वेले यूक्रेन दे विच अजिहे हालात बने तां उन्हां दे पूरे घर विच चिंता दा विशा बन गया सी क्योंकि विदेश दी धरती ते हालात अते उपरों उन्हां दी लड़की जिस दे चलदिआं उन्हां नूं चिंता बहुत ही ज़्यादा बनी हुई सी। पर परमात्मा दा शुक्र है कि उन्हां दी धी भारत सरकार दी मदद दे नाल सुरक्षित अपने घर वापस आ गई है। जदों पहली वार मैनूं पता लग्गिआ कि यूक्रेन दे विच काफ़ी हालात खराब हो गए ने तो फिर मैं जिहड़े एजेंट्स ने जिन्हां दे थ्रू मैं अपनी बेटी नूं भेजिआ मैं उन्हां नाल कंसल्ट कीता और उन्होंने मैनूं यही भरोसा दिता कि डॉक्टर साहब एड्डी कोई डरन वाली गल नहीं है कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच थोड़ा बहुत जो चलता रहिंदा इन्ना कु उत्थे चलता तुहानूं घबराउण की कोई लोड़ नहीं। लेकिन मैनूं उस टाइम ज़्यादा टेंशन ज़्यादा हो गई जदों मैनूं पता लग्गिआ भी ये जिहड़ा युद्ध आ ये मेरे बच्चों लई काफ़ी खतरनाक हो रहा और मैं फिर अपनी बेटी ने गल की तो बेटी ने मैंने समझाया कि पापा इन्नी डरन वाली गल नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे उतो मूव कर गए ने तो मैं और कुछ 3-4 असं बच्चे रह गए हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है भी कोशिश करो सानू भी इंडिया ले आओ। फिर मैं एक फ्लैट मैं एमरजेंसी मिली कतरा एयरवेज की और फ्लैट 26 तरीक की मैं मिली वो बंबे उतों यूक्रेन का जी राजधानी आ उतों बंबे की मिली बंबे टू मैं सीधी डायरेक्ट चंडीगढ़ की करवाई। लेकिन दुख की गल उदों फील हुई मैनू कि जिस दिन मेरी बेटी ने 26 में चढ़ना सी और 25 ही उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्ते बमबारी शुरू हो गई और जोड़े रोड से बिल्कुल डैमेज करते रनवे के उस तो बाद फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई फैमिली मैंबरस और मेरे लिए क्योंकि जितों बच्चे ने चढ़ना उत्थे ये चीज़ हो गई टेंशन टेंशन हो गई। उस तो बाद फिर जो मेरे घर का माहौल से एक पेरेंट्स आने नाते
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਾਲਜ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਟ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।